हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल SS इलेक्ट्रीशियन पर। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि मिक्सर मशीन के एक एक पार्ट को किस प्रकार से ओपन करना होता है कि मिक्सर मशीन का कोई भी पार्ट नुकसान ना हो, कोई भी पार्ट टूटे ना। बस हम तीन टूल्स की मदद से आपको मिक्सर मशीन के एक एक पार्ट को ओपन करना सिखाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक हमारे पास बड़ा वाला स्क्रू ड्राइवर है, एक हमारे पास छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर है, इसके इस साइड में स्टार भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके इस साइड में स्टार भी है। तो ये हमारा स्क्रू ड्राइवर हो गया, दो स्क्रू ड्राइवर और एक कॉम्बिनेशन प्लायर की मदद से हम इस मिक्सर मशीन के एक एक पार्ट को खोलकर अलग करना सिखाएंगे। तो आज की वीडियो में बस यही होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको भी समझ में आए कि किस पार्ट को किस प्रकार से खोला जाता है, वह पार्ट सुरक्षित निकल जाए और वह पार्ट कभी भी किसी भी प्रकार से डैमेज ना हो। तो चलिए हम यहाँ पर आपको खोलना सिखाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको मिक्सर मशीन का कपलर आपको दिख रहा होगा, इस कपलर को कैसे निकालना होता है ये बड़ी बात होती है। तो कपलर को निकालने का एक सिंपल मेथड होता है। सबसे पहले अगर कपलर पिन वाला हो, यानी कि इसके अंदर लॉक वाला हो, तो उसको दो स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस प्रकार से लगा के निकाला जा सकता है, यानी कि ऐसे लगा के उसको निकाला जा सकता है दोनों तरफ से। लेकिन अगर ये थ्रेडिंग वाला हो, यानी कि चूड़ी वाला हो, तो उसको ऐसे नहीं निकाला जा सकता। थ्रेडिंग वाला या चूड़ी वाला जो हमारा कपलर होता है उसको खोलना पड़ता है, यानी कि घुमाना पड़ता है। अब किधर से घुमाना पड़ेगा, कैसे घुमाना पड़ेगा हम आपको बता देते हैं। तो यहां पर जो कपलर लगा हुआ है, ये थ्रेडिंग वाला कपलर है, यानी कि चूड़ी वाला कपलर है। इसको खोलने के लिए पहले नीचे से यहां पर खोलना पड़ेगा, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इसको ओपन करना है। तो चलिए हम एक एक पार्ट को खोलना सीख लेते हैं। यहां पर देखिए, सबसे पहले इसको नीचे से खोलना है। यहां पर स्क्रू लगे होते हैं, इन स्क्रूओं को पहले खोल लेना है। तो चलिए सभी स्क्रू को हम बारी बारी से खोल लेते हैं। चार स्क्रू लगे होते हैं, चारों स्क्रूओं को हम खोल लेंगे। तो देखिए, इसका ये पीछे वाला पार्ट खुल चुका है। अब हम इसके स्क्रू को एक जगह सुरक्षित रख लेंगे, यानी कि इसका स्क्रू खोए ना, ताकि हमको बाद में कसने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम या समस्या ना हो। तो यहाँ पर चलिए सारे स्क्रू को हम निकाल के यहाँ पर साइड में रख लेते हैं। तो इस प्रकार से पीछे वाला पार्ट खुल जाता है। पीछे वाला पार्ट खुल जाने के बाद अब हम सिखाते हैं आपको ओवरलोड को कैसे निकाला जाएगा, यानी कि जो हमारा सर्किट ब्रेकर होता है ना, उस सर्किट ब्रेकर को इसमें से कैसे निकाला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, सर्किट ब्रेकर में एक लगा हुआ है नट, आगे पे एक नट लगा हुआ है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, नट के पास में एक रख लेना है आपको स्क्रू ड्राइवर। इस तरह से स्क्रू ड्राइवर जब हम रख लेंगे तो ये नट अब घूमेगा नहीं। तो हम पीछे से, आप क्या करेंगे, पीछे से इस सर्किट ब्रेकर को ही घुमाएंगे, सर्किट ब्रेकर को घुमाएंगे, ये खुलता हुआ बाहर आ जाएगा। तो चलिए हम वही उपाय कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने लगा दिया है स्क्रू ड्राइवर को, ताकि हमारा नट अब हमारा घूमे ना। अब इसके बाद हम सर्किट ब्रेकर को इस तरह से घुमा घुमा के बाहर निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से सर्किट ब्रेकर को निकाला जा सकता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये सर्किट ब्रेकर बाहर अब निकल चुका है। तो इसका जो नट होगा, इसको हम सुरक्षित एक स्थान पर रख लेंगे और सर्किट ब्रेकर को भी हम सुरक्षित एक स्थान पर रख लेंगे। तो इसका सर्किट ब्रेकर इस प्रकार से निकाला जाता है। अब यहाँ पर देखिए, जो मेन लीड है ना, इस मेन लीड को यहाँ से निकालने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना होता है, इस प्रकार से इसको निकाल लेना है और उसके बाद फिर यहीं पर लगा देना है। तो मेन लीड भी हमारा निकल गया। मेन लीड के निकालने के बाद ये वाला पार्ट अलग हो जाता है। अब हम यहाँ पर और भी चीज़ों को निकालना सिखाते हैं। देखिए, ये जो हमारी मेन लीड है, इस मेन लीड को इस तरह से निकाल लेते हैं। तो मेन लीड को हम इकट्ठा रख लेंगे। अब आगे के पार्टों को किस प्रकार से खोलना है हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कपलर को खोलना होता है। तो कपलर को खोलने के लिए सबसे पहले कपलर को हम यहाँ पर घुमाते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ घूम रहा है। देखिए, यहाँ पर ये वाला पार्ट घूम रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट घूम रहा है कपलर के घुमाने से। तो अब आपको करना क्या है, बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लगा देना है स्क्रू ड्राइवर इस तरह से, और कपलर को कपड़े से मजबूती से पकड़ लेना, यानी कि कपलर को आगे से हम इस प्रकार से पकड़ लेंगे और यहाँ पर इसको ड्राइवर की मदद से इसको हम इस तरह से खोलेंगे। देखिए, इस तरह से ये खुल जाता है। हम आपको बता दें, तो जिस साइड में कपलर घूमता है, यानी कि मिक्सर मशीन के चलाने पर जिस साइड में घूमता है, उसके जस्ट अपोजिट साइड में कपलर हमारा खुलता है। तो इसको हम जस्ट अपोजिट साइड में घुमाएंगे तो ये हमारा कपलर आसानी से खुल जाएगा, यानी कि अब भाई हमारा कपलर खुल रहा होगा। तो यहाँ पर हम कपलर को पकड़े हुए हैं, तो ये हमको महसूस हो रहा है कि हमारा कपलर अब खुल रहा है। तो इस प्रकार से हम कपलर को खोल लेते हैं। देखिए, यहाँ पर कपलर हमारा निकल गया। तो इस तरह से कपलर को निकाल लेना है, यानी कि कपलर को निकालने की जो समस्या थी वो अब सॉल्व हो गई होगी, यानी कि यहाँ से आपको इसको ड्राइवर के द्वारा खोलना है और आगे के पार्ट में कपलर को मजबूती से पकड़ना है, तभी ये हमारा कपलर खुल पाएगा, अन्यथा ये कपलर खोलने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रकार से कपलर खोल लेना है। कपलर को खोलने के बाद
बाद अब देखिए यहाँ पर आगे के पार्ट जितने भी हैं उसको निकालना है। सबसे पहले हम यहाँ पर ये वाला पार्ट निकाल लेते हैं। तो ये वाला पार्ट निकालने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, तीन स्क्रू यहाँ पे होते हैं। इन तीनों स्क्रूओं को पहले खोलना होता है। तो तीनों स्क्रू को कैसे खोलेंगे, सबसे पहले हमको करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए कवर लगा हुआ है, स्क्रू का कवर लगा हुआ है। तो स्क्रू के कवर को यहाँ से हटाना है, इस तरह से स्क्रू के कवर को इस तरह से हम हटा लेंगे। देखिए इस तरह से इसको हटाना है, इसको सावधानी से हटाना है, ये हट जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से स्क्रू के कवर को, सभी कवर को हटा लेना है। ये देखिए थोड़ा सा मिक्सर मशीन पुराना हो गया, इस वजह से ये टूट टूट जा रहा है। तो देखिए इस तरह से कवर को निकाल लेना है। अब इसके बाद यहाँ पे लगा हुआ स्क्रू, इन स्क्रूओं को खोल लेना है। चलिए इन स्क्रूओं को हम खोल लेते हैं, इसको बड़े स्क्रू ड्राइवर से खोलते हैं तो ये जल्दी खोलेगा। तो चलिए इसको इस तरह से खोल लेना है। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। इस तरह से देख सकते हैं आप, इसमें रबड़ लगा हुआ है, रबड़ का वाशर लगा हुआ है। तो इसको हम अलग रख लेते हैं। सभी स्क्रूओं को इस तरह से निकाल लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी स्क्रू अब बारी बारी से निकल जा रहे हैं। इसको भी खोल लेना है, इस तरह से देख सकते हैं ये भी निकल गया है। अब ये निकलने के बाद ये तो आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है ना, ये वाला जो पार्ट है ये आसानी से निकल जाएगा। लेकिन उसके पहले हमको पीछे जाना होगा और पीछे से मोटर को पहले निकालना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मोटर ये हमारा आसानी से अब निकल जाएगा। देख सकते हैं आप मोटर आसानी से निकल गया मिक्सर मशीन का। अब यहाँ पर रोटरी स्विच जो लगी है, रोटरी स्विच से कनेक्शन को हटा लेना है। ये हमारा मोटर निकल गया। अभी हम मोटर में लगे हुए पार्ट को भी निकालना सिखाएंगे, किस प्रकार से उसको निकाला जाएगा। फिलहाल मैं इसमें लगे और भी पॉइंटों को निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो ऊपर वाला भाग होता है इसको भी निकालना होता है। इस ऊपर वाले भाग को निकालने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको स्क्रू दिख रहे होंगे, सभी स्क्रूओं को खोल लेना है। इन स्क्रूओं को जब हम खोल लेंगे ये ऊपर वाला पार्ट आराम से निकल जाएगा। तो चलिए इसको हम खोल लेते हैं। तो चलिए सभी स्क्रू इस तरह से खुल गए हैं। आप देखिए ऊपर वाला पार्ट ऑटोमेटिक हमारा निकल गया। इन सभी स्क्रूओं को आराम से रख लेना है, एक जगह पे स्थान पे रख लेना है। लेते हैं यहाँ पर देख सकते हैं ये बॉडी है इसकी और ये हमारा ऊपर वाला पार्ट है। तो इस तरह से इसको पूरी तरह से खोल लेना है। यहाँ पर देखिए जो हमारा रोटरी स्विच है, अगर रोटरी स्विच को बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले ये वाले पार्ट को खोल लेते हैं, यानी कि ये इसकी नोब कहलाती है। इस नोब को खोल लेते हैं। इस नोब को खोलने के बाद यहाँ पर एक नट होता है, इस नट को भी प्लायर की मदद से खोल लेते हैं। इस तरह से देखिए प्लायर की मदद से इसको इस तरह से घुमाएंगे तो ये आराम से हमारा खुल जाएगा, कोई समस्या नहीं होती इसको चेंज करने में। देखिए यहाँ पर इस नट को खोल लेने हैं और खोल लेने के बाद ये हमारा जो रोटरी स्विच है ये हमारा बाहर आ चुका है। तो इस प्रकार से एक एक पार्ट को हमने खोलना सिखाया। अभी हमको खोलना है फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर। यहाँ पर आप देख सकते हैं फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर को किस प्रकार से ओपन किया जाएगा, हम आपको बता दें इसमें क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ती है। इसको खोलने के लिए सबसे पहले आपको एक चाहिए मार्कर, और मार्कर के द्वारा इसकी कर लेंगे मार्किंग। तो मार्किंग आपको कहाँ पर करना है हम आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है ना, यहीं पर मार्किंग कर लेना है, क्योंकि इस मोटर को जब हम बैठाएंगे तो इसी तरह से ये बैठेगा फिर से। तो यहाँ पर देखिए मार्किंग हम कर लेते हैं। मार्किंग अगर नहीं किए रहेंगे तो बाद में बैठाने में इसको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो चलिए यहां पर हमने मार्किंग कर लिया है, और मार्किंग करने के बाद अब हम इसको खोलते हैं। तो चलिए इसको खोल लेते हैं, कैसे खोलना है हम आपको बताते जाते हैं। यहां पर देखिए यहां पर एक बोल्ट लगा हुआ है और यहां पर एक बोल्ट लगा हुआ है। दोनों ही बोल्टों को पहले स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल लेना है। तो चलिए हम दोनों ही बोल्टों को स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल लेते हैं। इस प्रकार से इसको खोल लेना है, ये आसानी से खुल जाएगा। तो इस प्रकार से इसको खोल लेना है। तो आप बेहतर तरीके से इस वीडियो को देखिए, और वीडियो को देखते हुए आप सभी मिक्सर मशीन को रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए इस तरह से इसको ओपन कर लेना है, खोल लेना है। एक बोल्ट हमारा खुल चुका है। अभी एक बोल्ट खुल जाने के बाद दूसरे बोल्ट को भी हम खोल लेंगे। ये हमारा बोल्ट निकल गया, इसको भी हम सुरक्षित रख लेंगे एक स्थान पे। दूसरे बोल्ट को भी हम खोल लेते हैं इस तरह से। देखिए दूसरा बोल्ट यहाँ पे लगा हुआ है, इसको भी हमको खोल लेना है। देखिए आसानी से हर एक चीज़ को करना है, हर एक काम को सावधानी से करना है। कहीं भी किसी प्रकार से बाइंडिंग वायर पर जो हमारा स्क्रू ड्राइवर है वो न लग जाए, नहीं तो बाइंडिंग का तार कट सकता है और परेशानी बढ़ सकती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से इसको भी खोल लेना है। सभी एक एक पार्टों को यहाँ पर खोल लेना है। हमने एक एक पार्टों को खोलना बताया। अगर आप उन एक एक पार्टों में से कोई भी पार्ट खराब होता है तो उसको चेंज भी आसानी से कर सकते हैं। अगर आप खोलना जानते हैं सभी पार्टों को तो आप आसानी से उसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप खोलना नहीं जानते सभी पार्टों को तो उसको आप आसानी से चेंज नहीं कर सकते। तो चलिए यहाँ पर दूसरा भी बोल्ट हमारा खुल गया है। अब ये देखिए आराम से निकल जाएगा, ऊपर वाला पार्ट ये निकल गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर वाला पार्ट कितनी आसानी से निकल जाता है, कोई भी समस्या नहीं होती, कोई भी दिक्कत नहीं होती, ये ऊपर वाला पार्ट आसानी से निकल जाता है। ये देखिए इसमें बूश लगा होता है, तो बूश को हम यहां से निकाल भी सकते हैं। बूश को निकालने के लिए आपको क्या करना है, बस इधर से थोड़ा सा धक्का देंगे, बूश हमारा आराम से निकल जाएगा। तो देखिए बूश तो इस तरह से निकल जाता है,
इस तरह से देख सकते हैं आप, बुश ये निकल गया। तो इस बुश को फिर से लगाना होता है, बस इसी तरह से लगा देना है, आगे बैठ जाएगा ये। तो इस प्रकार से बुश बैठ भी जाता है और निकल भी जाता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं होती है निकालने में और बैठाने में। तो ये प्रॉपर निकल भी जाएगा और प्रॉपर बैठ भी जाएगा। तो इस प्रकार से इस पार्ट को निकालना है, खोलना है। अब देखिए यहाँ पर बात आती है कि ये जो हमारा आर्मेचर है वो कैसे निकाला जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना है, आर्मेचर का जो ये पीछे वाला पार्ट है, इस पीछे वाले पार्ट को इस तरह से निकालना है। देखिए पहले इसको इस तरह से निकाल लेंगे। अच्छा, इसको निकालने से पहले हमको एक काम और करना है, जो हमारा कार्बन ब्रश होता है ना, इस कार्बन ब्रश को पहले निकाल लेना है। देखिए कार्बन ब्रश को निकाला कैसे जाता है हम आपको बता दें। तो कार्बन ब्रश का ये जो तार है ना, ये यहाँ पे मुड़ा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस तरह से पत्ती के द्वारा मोड़ा जाता है ताकि ये कार्बन ब्रश बार बार निकले ना यहाँ से। तो इस तरह से ये मोड़ा हुआ है, तो इसको पहले सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद इसको इस तरह से खींच लेंगे तो ये जो हमारा कार्बन ब्रश है स्प्रिंग के साथ निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस पार्ट को भी यहाँ पर निकाल के रख लेना है। अब हम दूसरे तरफ के कार्बन ब्रश को भी उसी प्रकार से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पत्ती को सीधा करना है और सीधा करने के बाद इसको इस तरह से खींचना है, ये जो हमारा कार्बन ब्रश है ये खुद ब खुद निकल जाएगा। तो इस प्रकार से इसको निकाल लेना है। अब ये वाला पार्ट पीछे से इस तरह से खींच लेना है तो ये आराम से निकल जाएगा, देख सकते हैं आप, इस तरह से निकल जाता है। अब यहाँ पर जो वाशर वगैरह है ना, इस वाशर वगैरह का ध्यान देना है कि जितने भी वाशर जिधर भी लगे होते हैं उधर ही लगाना है। अगर हम दूसरी तरफ लगाने की कोशिश करते हैं तो फिर ये आर्मेचर हमारा डग हो जाता है, वो सही से बैठ नहीं पाता है। तो यहाँ पर देखिए जितने भी वाशर यहाँ पे लगे होते हैं उन वाशरों को आराम से निकाल लेना है, इस तरह से देख देख के कि कौन सा वाशर कहाँ पे लगा होता है। तो यहाँ पर देखिए ये आगे वाले पार्ट में लगे होते हैं, यानी कि कम्यूटेटर के पास हमारा कुल मिला के कितना वाशर लगा हुआ है, 1, 2, 3, 4 वाशर लगे हुए हैं। इन चारों वाशरों को हम कम्यूटेटर के पास में जब हम फिटिंग करेंगे तो लगाएंगे। तो चलिए इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं। अब हमको क्या करना है, अब ये देखिए यहाँ पर देखिए जो बुश लगा हुआ है, इस बुश को कैसे खोलना है, सेम वही तरीका है खोलने का, कोई भी समस्या नहीं होती है खोलने के लिए। यहाँ पर देखिए अगर बुश होल्डर को बदलना है तो बुश होल्डर को भी हम आराम से बदल सकते हैं, इसको यहाँ से खोल देना है। इसको देखिए खोलने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको ड्राइवर की मदद से चारों ही स्क्रूओं को खोल देना है। इस तरह से देखिए एक स्क्रू ये खुल गया, दूसरे स्क्रू को खोलते हैं, दूसरा स्क्रू भी खोल देंगे इसी तरह से, और सभी स्क्रूओं को इस तरह से खोल देंगे तो ये हमारा कार्बन बुश का जो होल्डर है ये बदल सकते हैं। ये दूसरा मिलता है नया, आप लाके लगा सकते हैं अगर ये खराब होता है तो। तो यहां पर आप देख सकते हैं कार्बन ब्रश के होल्डर को इस तरह से खोल लेना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो यहां पर देखिए 4 स्क्रू निकल गए हैं और ये जो हमारा होल्डर का प्लेट है ये भी हमारा निकल गया है। तो इस प्रकार से हम इसको भी खोल सकते हैं, इसको भी निकाल सकते हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से इसको भी खोलना होता है। चलिए इसको भी हम साइड में रख लेते हैं। अब हमको क्या करना है, ये जो अगर बुश खराब हो गया है तो बुश को निकालना है। बुश को निकालने का सेम वही तरीका है, बस पीछे से इसको धक्का देना है तो ये यहाँ से आराम से निकल जाएगा। बस आपको यहाँ पर थोड़ी थोड़ी, अगर मान लीजिए कि ये जो पिन है, जो प्लेट है जो बुश को दबा के रखता है, इस अगर ये नहीं निकलता है तो इस पिन को थोड़ा थोड़ा धक्का दे के बाहर के साइड में करना होता है, जिससे ये हमारा आराम से बुश निकल जाएगा, जैसे हमने इस प्लेट में निकाल कर दिखाया। तो इस प्रकार से बुश को भी चेंज कर लेना है, अगर बुश खराब है तो बुश को भी आप चेंज कर सकते हैं आसानी से। तो इस प्रकार से इसके सभी पार्टों को अलग अलग कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा आर्मेचर है, आर्मेचर को भी इस तरह से अलग कर लेना है। अगर फैन को बदलना चाहते हैं तो फैन को कुछ नहीं करना, बस इस तरह से ये खींचेंगे तो ये बाहर की तरफ निकल जाएगा और फिर उसको इसी तरह से लाके लगा देना है। तो इस प्रकार से इसके सभी पार्टों को हमने खोल कर निकाला। यहाँ पर देखिए कम्यूटेटर, अब ये आर्मेचर से अलग नहीं हुआ क्योंकि कम्यूटेटर के साथ इसकी वाइंडिंग होती है, तो ये हम अलग नहीं कर सकते, मतलब ये इतना ही पार्ट एक ही पार्ट कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम इसके सभी पार्टों को ओपन करके बताएं, सभी पार्टों को खोलना सिखाएं। फाइनली हमने मिक्सर मशीन के सभी पार्टों को खोलना सिखा दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।